चंद्रा सरे वर्ग। नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और समझिए क्रिकेट और फुटबॉल के लिए आज यहाँ स्पोर्ट्स स्क्वायर का उद्घाटन किया गया। आज हम ऋत्विक जी से भी बात करेंगे कि सर आज ओपनिंग करेंगे, क्या ऑफर्स देंगे प्लेयर्स को। ऑफर्स ये है कि आज हमारे यहाँ एग्जीबिशन मैचेस हुए, सो डीपीएस टीम के दो स्कूल टीम्स में भी दो टीम बना और उनके बीच एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ, जिसका रिजल्ट रहा कि सीनियर टीम ने 4-2 से जीता है मैच था। उसके बाद जो लोकल बच्चों का अंडर 14 बच्चों का भी एक फुटबॉल मैच हुआ और अभी एक एग्जीबिशन मैच होने वाला है जिसमें सेंट माइकल्स के कुछ बच्चे और बिहार फुटबॉल टीम के कुछ बच्चे आपस में खेलेंगे। और इसके शुभ अवसर पर बिहार फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिस्टर इम्तियाज अली वो उपस्थित रहेंगे। और क्रिकेट की जहाँ तक बात है, ये हमारे साथ हैं अभिजीत साकेत जो बिहार रणजी ट्रॉफी के प्लेयर हैं और ये दुलीप ट्रॉफी में भी सिलेक्शन हुआ था इनका, प्रॉबेबल लिस्ट में थे ये। तो आप सर आप बताएं सर, आज यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है स्पोर्ट्स स्क्वायर का, क्रिकेट और फुटबॉल क्या कुछ कहेंगे। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टेप है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे स्टेट में क्रिकेट का तो है ही, ये इंडोर उतना अच्छा हमारे स्टेट में क्रिकेट का नहीं है और ये फुटबॉल का सराउंड एक साथ आ गया है और फुटबॉल का उतना अपॉर्चुनिटी हमारे स्टेट में है नहीं। पटना हमारा सेंटर ऑफ स्टेट है, फिर भी उतना अच्छा फुटबॉल को लेकर है नहीं। तो यहाँ पर फुटबॉल को लेकर जो स्टेप लिया गया और क्रिकेट को लेकर बहुत ही अच्छा स्टेप है। मैं बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ और कॉन्ग्रेट्स करता हूँ। यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, आगे आप स्किल पर काम कर सकते हैं, कोचेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे, हम यहाँ खुद आएंगे बच्चों को बताने के लिए, खुद प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर बहुत से रणजी ट्रॉफी प्लेयर आएंगे, प्रैक्टिस स्टेट प्लेयर आएंगे और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए स्किल सीखने के लिए। और आपको बारिश आने वाली है दिन में तो इंडोर अच्छा कुछ हो नहीं सकता आपके लिए, तो बहुत अच्छा स्टेप मिलेगा। सीधा यहाँ देखिए कि आज यहाँ ग्रैंड ओपनिंग किया गया क्रिकेट और फुटबॉल, देख से कि यहाँ पे प्लेयर्स यहाँ पे आज प्रैक्टिस और यहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी कराया गया। खबरों के साथ बने रहिए कुमार रसल, भारत न्यूज 24।